एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट को, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक रिलोकेटेबल एड्रेस क्या होता है, एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है और उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट? सो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फंक्शनैलिटी होती है, जो कि आपका क्या करती है, मेन मेमोरी से किसी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में या फिर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आपका ट्रांसफ़र करती है। और जितने भी आपकी मेमोरी से रिलेटेड मैनेजमेंट्स होते हैं वो आपका इस मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी लोकेशन, मींस मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है, हर एक लोकेशन का, जो भी आपकी मेमोरी है उसमें हर एक लोकेशन को ट्रैक करती है कि किस पे आपका कौन सी मेमोरी आपकी प्रोसेस को एलोकेटेड है, कौन सी फ्री है, ये सारा कुछ ट्रैक कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी एलोकेटेड टू अ प्रोग्राम, मीन्स आपका यहाँ चेक मेमोरी मैनेजमेंट में क्या चेक करते हैं कि कौन सी मेमोरी एलोकेट है और कौन सी एलोकेट नहीं है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कौन सी मेमोरी एलोकेट है, ये भी कौन चेक करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। फिर आपका क्या होता है, इट ट्रैक्स व्हेनेवर सम मेमोरी गेट फ्रीड, इट अपडेट द स्टेटस, मीन्स अगर आपका सपोज़ ये प्रोसेस मेमोरी कंज्यूम कर लिया, ठीक है, ये प्रोसेस मेमोरी कंज्यूम किया है, इसमें आपका मेन मेमोरी में जब हम लोड कर दिए, ये आपका यहाँ पे मेन मेमोरी में आ गया एग्जीक्यूट होने के लिए, जब वो फर्दर एग्जीक्यूट होने के बाद वापस आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट पूरा हो गया तो यहाँ का जो स्पेस फ्री हो गया, इस स्पेस को इस स्पेस की इंफॉर्मेशन कौन रखता है, मेमोरी मैनेजमेंट इस स्पेस की इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है, मींस इस स्टेटस को अपडेट करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है, जो आपका इस मेमोरी में कहाँ आपके प्रोसेस को एलोकेट रखना करना है, स्टोर करना है, इस मेमोरी से यहाँ इस मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कब प्रोसेस को लाना है और कब इस मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है और यहाँ से किस एड्रेस पे लाना है, ये सारा मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मेमोरी मैनेजमेंट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला टर्म है हमारा रिलोकेटेबल एड्रेस। सो व्हाट इज़ रिलोकेटेबल एड्रेस? तो रिलोकेटेबल एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस, दो टाइप के एड्रेस होते हैं, रिलोकेटेबल एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस। तो सबसे पहले समझेंगे हम रिलोकेटेबल एड्रेस कौन से होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये हमारा हार्ड डिस्क है, मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा कोई प्रोग्राम है, जो आपका प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये आपका पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमने इस एड्रेस पे सपोज वन से हमने स्टार्ट किया है, ये कोई प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को हमने वन एड्रेस टू एड्रेस इस तरह से हमने इसको स्टोर किया है। यहाँ पे अगर सपोज फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो है आपका, फोर्थ इंस्ट्रक्शन हमारा है गो टू, अब गो टू क्या करता है, गो टू आपका यूज़ होता है किसी भी एड्रेस पे जंप करने के लिए, ठीक है, किसी और एक एड्रेस से किसी और एड्रेस पे जाने के लिए। तो सपोज़ हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है गो टू वन, मतलब यहाँ क्या होगा, आपका जो वन है, मतलब आपका यहाँ से इस फोर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि अब आपको किस इंस्ट्रक्शन पे जाना है, वन इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, तो यहाँ से आप वन इंस्ट्रक्शन पे जाओगे। ये तो आप हार्ड डिस्क में आप बात कर रहे हो, हार्ड डिस्क में आपका जब प्रोग्राम है तो यहाँ एड्रेस क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन फोर, कि आपको गो टू वन, वन पे जाना है, यहाँ आपकी फर्स्ट से स्टार्टिंग एड्रेस आपका सपोज वन है, स्टार्टिंग एड्रेस वन है, तो आपको फोर से वन पे जाना है, ठीक है। अब ये आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, मीन्स आपका ये प्रोग्राम है, जब इस प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में लोड करेंगे, मेन मेमोरी में लोड करने
लोड करने के लिए क्या होगा, जब यहाँ पे आप लोड करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कहाँ हमारा इस मेन मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पे हम इस प्रोग्राम को स्टोर करेंगे। और जहाँ स्टोर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोसेस बनेगा एग्जीक्यूशन के लिए। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका इस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा, तो जहाँ भी आपका इसको स्पेस मिलेगा वहाँ पे आपका ये स्टोर हो जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे मेन मेमोरी में क्या होता है, बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, तो ये आपकी क्या होती है, मेन मेमोरी में सबसे पहले स्टोर होती है। सपोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका स्पेस कवर किया है 0 to 10K तक। अब 10K के बाद आपका यहाँ फ्री स्पेस था, इस बीच में हमने इस प्रोग्राम को रख दिया एज इट इज़। अब यहाँ से 1 से लेके 7 तक, ठीक है। अब यहाँ जो फोर्थ स्टेटमेंट होगी गो टू की, अब यहाँ से गो टू 1 अगर करते हैं तो गो टू 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उस मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, 0 से यहाँ से स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है। 0 से यहाँ से स्टार्टिंग एड्रेस है, मतलब कि यहाँ पे 10K के बाद हमको जोड़ना होगा इस एड्रेस को, तब वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल एड्रेस होगा। तो यहाँ हो जाएगा गो टू 10K+1। जब हम 10K+1 करेंगे तब हमारा इस पोजीशन पे हम पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो एड्रेस था वो ये एड्रेस क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसी को क्या हम बोलते हैं, रीलोकेटेबल एड्रेस। ये क्या है आपका रीलोकेटेबल, मतलब ये चेंज हो सकता है फर्दर। जब आपका इसको हमने मेन मेमोरी में लोड किया तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसको क्या हम बोलेंगे, इसको रीलोकेटेबल। और ये जो एड्रेस है, अब ये एड्रेस क्या है, ये एक्चुअल एड्रेस है, क्योंकि इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एक्चुअल पोजीशन पे स्टोर हो गया मेन मेमोरी में, जहाँ पे इसको एग्जीक्यूट होना है। तो ये इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेस। तो ये एड्रेस है क्या, एब्सोल्यूट एड्रेस। यहाँ ये एड्रेस चेंज हो सकता था, यहाँ स्टोर था, इसको नहीं पता था कि आगे आपका कैसे स्टोर होगा, आगे जाके ये लोड होने पे चेंज हो गया, तो इसको क्या बोले, रीलोकेटेबल एड्रेस। और ये यहाँ पे ये पूरा कवर कर किया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद इसने अपनी फिक्स जगह पे ये स्टोर हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट एड्रेस। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली रिलोकेटेबल एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस में। एक बार और समझते हैं, अगर कोई सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोग्राम है, वो इनिशियली आपका यहीं से आपका मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और फोर्थ इंस्ट्रक्शन ही आपका गो टू है, गो टू पे आपका अगर गो टू 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ से आपको एड्रेस नंबर 1 पे जाना है, यानी स्टार्टिंग एड्रेस पे जाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग एड्रेस पे जाना है तो ये क्या है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मेन मेमोरी में ले जाना होगा, इसको लोड करना होगा एग्जीक्यूट कराने के लिए इस प्रोग्राम को, तो यहाँ बन जाएगा ये प्रोसेस। और यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ जब लोड होगा तो यहाँ जो स्टोर होगा वहाँ पे आपका कुछ मेमोरी लोकेशन, मेन मेमोरी पहले से ही ऑक्यूपाइड होगी बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका जो मेमोरी लोकेशन होगा 0 से 10K तक, इसको हम छोड़ के तब हम अपने प्रोग्राम को स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे गो टू 1, तो गो टू एड्रेस नंबर 1, तो 1 पे क्या, यहाँ पे चला जाएगा। तो हम इसको उठा के यहाँ तो रख सकते नहीं हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग की कंडीशन हो जाएगी, तो ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ रखें और गो टू 1 अब नहीं करेंगे। अब इस मेमोरी एड्रेस को भी ऐड करके हम यहाँ पे जो एड्रेस लिखेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट टर्म बात करते हैं, एड्रेस बाइंडिंग। तो हमारा एड्रेस बाइंडिंग अब देखेंगे, एड्रेस बाइंडिंग क्या है, क्या होती है, व्हेन वी बाइंड डेटा और इंस्ट्रक्शन टू एड्रेस देन इट इज़ कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। मीन्स आपका अगर यहाँ कोई प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, इस प्रोग्राम में क्या होंगे, डेटा और इंस्ट्रक्शंस होंगे, और इन डेटा और इंस्ट्रक्शन को जब किसी एड्रेस के साथ बाइंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बाइंडिंग, ठीक है। ये 3 टाइप से हम कर सकते हैं। सबसे पहला है कंपाइल टाइम बाइंडिंग। कंपाइल टाइम बाइंडिंग क्या होती है कि अगर हम जो प्रोग्राम है, जो डेटा है, वो क्या करें, अगर हमको एड्रेस कंपाइल टाइम पे इस प्रोग्राम का एड्रेस
कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम बाइंडिंग। मीन्स इफ प्रोग्राम्स फाइनल लोकेशन इन फिजिकल मेमोरी इज नोन एट कंपाइल टाइम, देन बाइंडिंग कैन हैपन एट कंपाइल टाइम। ठीक है, अगर फिजिकल मेमोरी में हमें लोकेशन पता चल जाता है कंपाइल टाइम पे ही, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अगर हमें कंपाइल टाइम पे एड्रेस नहीं पता चलता इस प्रोग्राम का, तो हम क्या करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जनरेट करेगा रीलोकेटेबल एड्रेस, जो कि फर्दर बाद में चेंज हो सकता है। और इस रीलोकेटेबल एड्रेस को किससे बाइंड कर देगा, लोडर से। और लोडर क्या करेगा, लोडर जब प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करेगा, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे इस रीलोकेटेबल एड्रेस को अगर फिर से चेंज होती है, तो क्या करेगा, लोडर फिर से कंपाइलर कंपाइल करने की उस प्रोग्राम को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसको रीलोड कर देंगे। तो उस टाइम बाइंडिंग को क्या कहेंगे, लोड टाइम बाइंडिंग। अगर आपका यहाँ पे कंपाइल टाइम पे आपको एड्रेस नहीं पता चला, तो कंपाइलर क्या जनरेट किया, रिलोकेटेबल एड्रेस। रिलोकेटेबल एड्रेस हम लोडर के साथ क्या किए, कंपाइलर मर्ज कर दिया, मीन्स बाइंड कर दिया। और लोडर जब यहाँ पे लोड किया प्रोग्राम को, तो क्या होगा, अगर उस टाइम भी हमको एक्चुअल एड्रेस नहीं पता है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, लोड टाइम बाइंडिंग। और लोड टाइम बाइंडिंग में क्या होगा कि जो एड्रेस है वो क्या होगा, चेंज, अगर फर्दर चेंज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको रीलोड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम बाइंडिंग क्या होती है, रन टाइम बेसिकली आपका रन टाइम बाइंडिंग एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होती है। मीन्स आपका क्या कि अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर एक मेमोरी लोकेशन से वो आया हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस वो क्या हुआ, अगर वो चेंज करता है एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरे मेमोरी सेगमेंट में, अगर वो चेंज हो जाता है, मीन्स यहाँ एक मेमोरी सेगमेंट से वो दूसरे मेमोरी सेगमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी उसकी एड्रेस चेंज हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम बाइंडिंग। ठीक है, तो आपने समझा, कंपाइल टाइम मतलब कि अगर आपको एक्चुअल एड्रेस यहाँ पे पता चल जाता है कंपाइल टाइम पे, तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग। लोड टाइम पे पता चल जाता है, तो लोड टाइम बाइंडिंग। और रन टाइम पे अगर आपको एक्चुअल एड्रेस पता चलती है, तो उसे रन टाइम बाइंडिंग कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप रेलवे का ले लीजिए, तो रिजर्वेशन अगर आप कराते हैं रेलवे में IRCTC के थ्रू, तो आपको जो सीट मिलती है ट्रेन में वो कंफर्म मिलती है। तो आपको यहाँ पे क्या है, एक्चुअल फिजिकल आपको एड्रेस आपको मिल गया कि उस ट्रेन में आपको कहाँ बैठना है, तो दैट इज़ कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अगर आप लोड टाइम बाइंडिंग की बात करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एयरलाइंस। एयरलाइंस में क्या होता है, जब आप टिकट बुक करते हैं, ठीक है, तो आपको एक्चुअल आपकी सीट नहीं पता होती, आपकी टिकट कंफर्म रहती है कि आपको उस फ्लाइट से जाना है, बट आपको सीट नहीं पता होती है। वो कब पता होती है, बोर्डिंग टाइम के वक्त। तो जब आप प्रोसेस को लोड कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको आपकी एक्चुअल फिजिकल लोकेशन पता चलती है, तो वो क्या कहलाएगा, लोड टाइम बाइंडिंग। और रन टाइम का सबसे एग्जाम्पल है मेट्रो। मेट्रो में क्या होता है कि आप टिकट लेते हो, आपको उसमें चढ़ जाते हो, फिर भी आपको पता नहीं होता है, और रन टाइम पे भी आप सीट को चेंज कर सकते हो, दैट इज़ रन टाइम बाइंडिंग। तो ये आपका हो गया एड्रेस बाइंडिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।